नमस्कार, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जैल। पिछले कुछ दिनों से बाजार में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस उतार चढ़ाव का असर म्यूचुअल फंड के रिटर्न पर भी पड़ रहा है। कुछ लोगों का रुझान तो इक्विटी फंड से हटकर डेट इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जा रहा है। जी हाँ, एक रिपोर्ट ये बताती है कि पिछले 5 साल का औसत रिटर्न अगर देखें तो म्यूचुअल फंड के मुकाबले पीपीएफ ने बेहतर पोस्ट टैक्स रिटर्न्स भी दिए हैं। तो क्या म्यूचुअल फंड के मुकाबले पीपीएफ में निवेश करना सही रहेगा लंबी अवधि के लिए? क्या अब पीपीएफ में निवेश ही करना चाहिए? गिरते बाजार में आखिरकार निवेशक कैसे अपने आप को संभाल सकते हैं? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ फुल सर्कल फाइनेंशियल प्लानर एंड एडवाइजर्स के फाउंडर कल्पेश अशर जुड़ गए हैं। कल्पेश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। तो बाजार में मूड जो है वो पल पल बदलता जा रहा है। जैसे जैसे बाजार में कभी उतार देखने को मिलता है, कभी चढ़ाव देखने को मिलता है, तो ऐसे में यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि निवेशक कभी तो बहुत खुश होते हैं, कभी जो है वो परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो ऐसे में ये जो कभी खुशी कभी गम का माहौल है, उसमें आपको निवेशकों का मूड कैसा दिख रहा है? पल्लवी जी, ये जो आपने बिल्कुल सही एक इंट्रोडक्शन दिया है कि कभी खुशी कभी गम, बिल्कुल एक अप्रोप्रिएट टाइटल है। आजकल का माहौल जो चल रहा है, खास तौर पे म्यूचुअल फंड के जो निवेशक हैं उनको लेके, क्योंकि जो डायरेक्ट इक्विटी के जो निवेशक हैं, जो स्टॉक्स में सीधा निवेश करते हैं, उनके लिए तो सिर्फ गम ही गम है। लेकिन म्यूचुअल फंड के जो निवेशक हैं, एक बहुत ही आई थिंक पॉजिटिवली एक आश्चर्य वाली बात है कि अभी भी अगर हम देखें कि म्यूचुअल फंड्स के जो निवेशक हैं उन्होंने अपनी जो एक रणनीति है या अपना जो एक रुझान है, खास तौर पे SIP इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से जो निवेश करते हैं वो उन्होंने छोड़ा नहीं है, और कम हुआ है लेकिन छोड़ा बिल्कुल नहीं है। और यही एक मुख्य कारण है कि इतनी सारी जो एक FIIs की बिकवाली हो रही है, हम देख रहे हैं पिछले 1.5-2 महीने से, और उसके लिए मार्केट्स काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन हमारे जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं उनकी बिल्कुल हम कहें कि सामने खरीदारी भी जारी है। और ये बहुत ही एक अच्छा संकेत है कि जो म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश कर रहे हैं उनकी एक बहुत ही एक शिष्टता भरी एक रणनीति हम देख रहे हैं। अब माहौल और मूड की जो आप बात कर रहे हैं, वो तो जाहिर सी बात है कि किसी को भी अगर निवेश करते हैं तो उसको तुरंत ही उसमें एक फ़ायदा दिखना चाहिए, और वो अब देख नहीं रहा है कोई भी। इनफैक्ट ये पिछले 6 महीने की बात नहीं है, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं समय में तो देखेंगे कि इनफैक्ट वो निवेशक जिन्होंने 2 साल पहले भी निवेश किया है, जो नए निवेशक हैं उनके भी जो रिटर्न्स हैं, उनके भी जो हम देख रहे हैं एक परफॉर्मेंस है, वो बिल्कुल आई थिंक एक नेगेटिव या ब्रेक इवन ही है। लेकिन म्यूचुअल फंड का जो एक निवेशक है उसके ऊपर कम प्रभाव पड़ा है डायरेक्ट इक्विटी के मुकाबले। और इसका एक सीधा अगर हम एक इंडिकेशन भी ले लें तो जो एक इंडेक्स अपनी जो होती है वो ऑल टाइम हाई से 10% कम हो गई है, और बिल्कुल मिड और स्मॉल कैप्स में तो अगर हम देखें तो वहाँ पर तो 25-30% का एक फॉल या गिरावट आई है। लेकिन फिर भी एक बहुत ही ये मैं पॉजिटिव एक संकेत कहूँगा कि म्यूचुअल फंड का जो एक निवेशक है अब तक अपना धैर्य संभाले हुआ है और बिल्कुल अपने जो प्लान के मुताबिक अपना निवेश जारी रख रहा है। देखो, तो प्लान के मुताबिक जो है म्यूचुअल फंड निवेशक जो है वो अपना निवेश तो जारी रख रहे हैं, लेकिन कल्पेश जी, क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा रुझान जो है वो कुछ मूड जो है बदला है? क्योंकि अगर हम पिछले कुछ समय की बात करें तो जिस तरह से मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में गिरावट देखने को मिली है, थोड़ा सा तो निवेशक जो है कहीं ना कहीं परेशान दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल ये सही बात है कि निवेशक परेशान तो है, और इसका एक मुख्य कारण जो हम कहते हैं कि निवेशक का जो एक बिहेवियरल एक रुझान जो रहता है वो ऐसा ही होता है कि हम कहते हैं कि हर बार जब हम निवेश करें तो अपना लक्ष्य लेके चलें, अपने जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उसको लेके निवेश करें। और कभी कभार अगर निवेशक ये नहीं मानता और जो हर बार एक मार्केट जब भी ऊपर होती हैं तो वो इसमें एंटर करता है, और जब हम देखते हैं कि मार्केट जब एक हाई लेवल पर होती है तो कौन सा एक सेक्टर या कौन से फंड्स ऊपर होते हैं तो सामने उसका जवाब आता है मिड या स्मॉल कैप, और वही सेक्टर्स में एक नया निवेशक है उसको एक बहुत ही ज़्यादा उत्साह होता है कि मुझे अगर निवेश करना है तो मिड और स्मॉल कैप में करना है। और काफ़ी सारे जो निवेशक थे
वो इस 2016-17 के पीरियड में मिड और स्मॉल कैप में उन्होंने अपना प्रवेश किया था, जिसकी आज हम एक रिवर्स इफेक्ट देख रहे हैं। एक उल्टी उनकी गिनती हो गई है कि जो रिटर्न्स थे मिड एंड स्मॉल कैप में उनको काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। तो हम ऑलवेज कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से कि आप जब भी अपना आयोजन करते हो तो गोल्स को सामने लेके चलिए। तो उसमें भी आप अगर एक एसेट एलोकेशन करते हैं कि हम लार्ज कैप को लेकर चलते हैं, मिड और स्मॉल कैप को लेकर चलते हैं, मल्टी कैप को लेकर चलते हैं, और आपके गोल्स और आपकी जो एक जोखिम लेने की क्षमता है उसको देख के, तो आगे चल के आपको ये तकलीफ नहीं होने वाली। तो आपने जो कहा बिल्कुल सही है कि उसमें जो एक नाराजगी तो है मिड और स्मॉल कैप को लेकर आने वाली है, क्योंकि जब भी एक बढ़ती मार्केट में हम परफॉर्मेंस या प्रदर्शन देखते हैं तो मिड और स्मॉल कैप ही ऑलवेज लीड करते हैं, और जब एक गिरावट देखते हैं तो मिड और स्मॉल कैप का ही परफॉर्मेंस उसमें नेगेटिव दिखता है। और इसका एक सीधा संकेत पल्लवी जी, हम देखें तो जो इवन रिटर्न्स हम देखें पिछले, इनफैक्ट 2012 से लेकर पिछले 7 साल से, क्योंकि ऑलवेज इक्विटी में जब भी रिटर्न्स की बात होती है तो हमें 5 साल के ऊपर का एक प्रदर्शन का एक चार्ट या ब्यौरा लेना चाहिए। तो हर बार आप देखोगे तो 2012 या 14 या 17, तो ये 3 साल में बेहतरीन रिटर्न थे। आप लार्ज कैप ले लो, मल्टी कैप ले लो, मिड या स्मॉल कैप में तो बहुत ही सुपर रिटर्न्स थे। लेकिन बीच के जो साल थे 2013 या 15-16 या अभी जो हम पिछले साल देखे 18 या 19, तो उसमें नेगेटिव रिटर्न्स थे। तो ये एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की एक फीचर है कि एक प्रदर्शन का जो एक उनका एक चलन रहता है वो एक लाइन में नहीं रहता। और इसीलिए हम बार बार एज फाइनेंशियल प्लानर्स दोहराते रहते हैं कि आप जब भी निवेश करो, आप अपना जो निवेश का जो दायरा है वो एक समय जो है वो आप 5 साल के ऊपर की रखो, तो कोई भी एक साइकिल जो आपको मिलती है वो पूरी 7 या 10 साल की मिले, जिसमें आपके जो रिटर्न्स हैं वो एवरेज हो जाएं। बिल्कुल, तो एवरेज के लिए ज़रूरी है कि जिस तरह से कल्पेश जी ने भी कहा कि आप अपना निवेश का दायरा जो है वो लंबा रखिए, कम से कम 5 से 7 साल से ज़्यादा का अगर आप इक्विटी में निवेश करेंगे तो आपके लिए बेहतर ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर कल्पेश जी, हम ये भी देख रहे हैं, चूंकि हम बात कर रहे हैं कभी खुशी कभी गम की, निवेशक जो है वो खुश तो हो जाते हैं कभी कभी जब उनको बाजार में भरोसा वापस लौटता हुआ नजर आता है, लेकिन ऐसे में जब बाजार गिरता है तो कहीं ना कहीं कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जो है या डेट फंड्स के साथ जो है वो कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। लोगों को लगता है कि काश हमने डेट में अगर निवेश किया होता तो शायद उनके लिए बेहतर रहता। तो ये तुलना कितनी सही रहती है या कितनी गलत रहती है? इसमें आई थिंक एक यू नो मिक्स्ड इमोशंस, एक बहुत ही मिक्स्ड रिस्पांस भी होता है, मिश्रित टाइप का एक इसमें प्रतिक्रिया रहती है। तो जो निवेशक जिन्होंने ये सारी इक्विटी की प्रक्रिया देखी हुई है कि इक्विटी किस बला का नाम है और इक्विटी में क्या क्या हो सकता है, तो वो अपना धैर्य नहीं खोते और वो इसमें बने रहते हैं। लेकिन ऐसी जो मात्रा है निवेशकों की बहुत ही कम है, और जो दूसरे निवेशक होते हैं जो म्यूचुअल फंड्स के जरिए भी अपना निवेश करते हैं, वो बहुत ही आई थिंक कम समय में अपनी हिम्मत खो बैठते हैं। और तब जाके जब वो देखते हैं कि हमें तो 1 या 2 साल में कोई भी निवेश नहीं मिला, और इससे तो बेहतर हम जो पहले करते थे फिक्स डिपॉजिट्स, या जैसे हम PPF की बात करने वाले हैं, वो बेटर एक इंस्ट्रूमेंट था। तो एक जाहिर सी बात है, एक ह्यूमन नेचर है, स्वभाव है कि आदमी फिर से वही टाइप जाता है कि अपनी जोखिम झेल नहीं पाता और वो सोचता है कि इससे तो बेटर मैं फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स में था। और आई थिंक अगर कोई व्यक्ति लंबे समय के लिए अपना लक्ष्य हासिल करना चाहता है या बड़ी एक जमा राशि इकट्ठा करना चाहता है, उसके लिए ये सोचना बहुत गलत बात है। और अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग के भी नज़रिए से देखें, तो अगर पहले से आपकी असेट एलोकेशन तय हुई है कि मान लो मैं एक उदाहरण देता हूं कि आपका 50% या 60% इक्विटी में रहेगा और 40% जो है वो आपका फिक्स्ड इनकम में रहेगा, तो आपका प्लानर आपको वहीं संभाल लेगा कि अब कुछ भी हो जाए आपको 50 या 60% जो है प्रतिशत आपने अगर इक्विटी में निवेश किया है तो वहीं बने रहें। और ये जो हम बने रहना कहता है वो लंबे समय तक बने रहते हैं, और वहाँ से हम अपनी जो भी एक परफॉर्मेंस है वो देख के असेट को चेंज नहीं करते, क्योंकि अपने जो प्रोफाइल है उसको देखकर हमारी असेट एलोकेशन की गई है, हमारे गोल्स को देखकर असेट एलोकेशन की गई है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा आदमी सोचता है, और काफ़ी जो मेरे हिसाब से जो कमज़ोर निवेशक होते हैं वो ऐसा कर भी लेते हैं कि गिरती मार्केट में जब उनको बने रहना है या इनफैक्ट ज़्यादा निवेश करना है, वो अपना सारा निवेश निकाल के सिर्फ 1 या 2 साल का वो फिर से
फिक्स्ड इनकम में आ जाते हैं। और फिक्स्ड इनकम की एक मज़ेदार बात यह है कि आजकल के दौर में हम जो देख रहे हैं कि जो ब्याज दर है वो लगातार गिरती जा रही है, तो वहां पर भी उनको जो एक निवेश का एक जो रिटर्न मिलेगा वो कम ही मिलने वाला है। लेकिन ये एक ह्यूमन बिहेवियर है जिसको हम कभी भी सलाह नहीं देते या उसको उत्साहित नहीं करते। बिल्कुल, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो आपको एक फिक्स जो है दायरे में रिटर्न तो दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इक्विटी का फायदा नहीं उठाएंगे और इस वक्त में खास तौर पर नहीं अगर उठाएंगे तो शायद आप मन मुताबिक रिटर्न्स जो है वो लंबे समय के लिए हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन कल्पेश जी, चूंकि हम इक्विटी फंड्स की बात कर रहे हैं, जैसे आपने अभी जिक्र भी किया था कि कुछ एक ऐसे साल आए थे, साल 2012 था या फिर क्या कहिए कि 2014 था और 17 था, जब इक्विटी ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए थे, लेकिन उसके अगर हम बात देखते हैं तो कई ऐसे भी साल आए जैसे 2013 आया, 15 आया या 2016 आया, जब अचानक जो है वो रिटर्न्स गिरते गए। तो ये पूरा ट्रेंड तो अपने आप में यही दिखाता है कि ये जो आजकल माहौल चल रहा है, जो लगातार गिरावट दिख रही है फंड्स के रिटर्न में, वो भी शायद एक दो साल के अंदर ठीक हो जाएगी और वापस एक अच्छे दिन वाली जो शुरुआत है वो हो जाएगी। बिल्कुल, और ये जो सारी एक प्रक्रिया है वो साइकिल्स में घूमती है, तो हमें हम कोई एक ज्योतिष नहीं है या हमें कोई भविष्य देखने की एक कला नहीं है कि हम देख सकते हैं कि अगले साल भी यही होने वाला है या आने वाले साल में गिरावट होगी। तो हमारा जो लक्ष्य है वो हमारे प्रोफाइल के मुताबिक होना चाहिए। तो जैसे आप देखते हैं, अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 12, 14, 17 बेहतरीन साल थे रिटर्न्स के लिए, और बीच में जो 13, 15 या 16 का जो साल था वो नेगेटिव था या बिल्कुल ब्रेक इवन था। तो ये पूरा अगर हम दायरा लेके चलें तो 12 से जो 19 का है वो 7 साल का दायरा बनता है, और इसके लिए हम पहले से कहते हैं कि अगर हम प्लानिंग या आयोजन करें तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि हम इक्विटी में उतना ही पैसा निवेश करेंगे जितना हमारे लिए योग्य है। और एक आम निवेशक तभी आई थिंक उसको बहुत दिक्कतें होती है जब वो एक्साइटमेंट में या उत्साहित होकर सब कुछ अपना दाव पर लगाकर इक्विटी में निवेश करता है, उसको किस्मत अच्छी है तो 6 महीने 1 साल में अच्छा निवेश भी मिलता है। लेकिन ये साइकिल घूमने वाली है, किसी भी चीज़ को एक कंटिन्यूस साइकिल हम नहीं देख सकते। इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड इनकम की भी बात करें, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अभी एक डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है, और जो ग्लोबल फैक्टर्स भी इतने भारी चल रहे हैं कि हम सिर्फ अपने भारत के स्लो जीडीपी ग्रोथ के ऊपर सिर्फ बात नहीं कर सकते। एक एक रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमिस्ट आपको बताएगा कि काफ़ी सारे फैक्टर्स भी ऐसे हैं जो विश्व में ऐसे चल रहे हैं जिसकी वजह से एक एक सामूहिक तौर पे एक स्लोडाउन चल रहा है। तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, हमें सिर्फ एक चीज़ के हमने निवेश किया और उसका रिटर्न हमें मिलना चाहिए वो हमारा हक है, ये सोच ही गलत है। तो ये पूरा जो एक साइकिल है वो सोचना समझना ज़रूरी है, लेकिन इस साइकिल के पैरेलल हमें ये देखना है कि हमारी क्या प्रोफाइल है, हमें अपनी प्रोफाइल उस मुताबिक बनानी है और उसके मुताबिक सलाह लेनी है। लेकिन अगर हम पिछले 2 साल की बात करते हैं तो कल्पेश जी, यहाँ पर तो निवेशक जो है काफी 2 साल से बेहाल नजर आ रहे हैं, तो आने वाले वक्त में हम उम्मीद करें कि अच्छा हुआ, अच्छा वक्त जो है, सुनहरा दौर जो है वो वापस जल्द आ सकता है। हाँ जी, अभी जो हम देखेंगे कि 2017 का जो रिटर्न्स था पल्लवी, जो आपने अभी स्क्रीन पे दिखाया कि 2017 में जो रिटर्न्स थे वो आई थिंक अद्भुत थे, और 2017 में वो अद्भुत रिटर्न्स देखकर इवन म्यूचुअल फंड हमारी इंडस्ट्री में इतना सारा एक फ्लो आ गया, एक इन्फ्लक्स आ गया कि लोग यही सोच रहे थे कि ये जो टाइम्स है अब जारी रहने वाले हैं। और 2018 में बिल्कुल एक हम देखते हैं कि ब्रेक इवेंस आ गया, सारे जो रिटर्न्स थे जैसे 2017 में लार्ज कैप जो सेगमेंट था उसने तकरीबन 25-30% का एक रिटर्न्स दिया हुआ था, मिड या स्मॉल कैप ने तो अराउंड 35-45% का एक रेंज में रिटर्न्स दिया हुआ था। उसके मुकाबले 2018 जो था वो आप देखोगे तो जो एक लार्ज कैप जो इंडेक्स था वो बिल्कुल आई थिंक वहीं का वहीं ठहरा हुआ था, या +2 या +3% जो हम बिल्कुल ब्रेक इवन ही कह सकते हैं, और जो मिड कैप और स्मॉल कैप था वो ऑलमोस्ट -12-15% हो गया था, और स्मॉल कैप तो आई थिंक इससे भी ज़्यादा गिरावट हो चुकी थी। और 2019 जब हम बात करें तो ये एक साल ऐसा रहा है जहाँ पे हमने एक्चुअली एक गिरावट देखी है। तो ये दोनों साल की रिटर्न्स हम देख लें तो जाहिर सी बात है कि एक निवेशक के पोर्टफोलियो में SIPs या एक एक मुश्त निवेश जो है उसकी वो सारी नेगेटिव दिखने वाली है, लेकिन
हमें यहां पर अपना जो धैर्य है, अपनी जो रणनीति है वो बिल्कुल बनाए रखनी है, म्यूचुअल फंड के निवेशकों ने बनाए रखी है, और आगे चल के जब ये पूरा जो एक माहौल है वो पॉजिटिव होगा तब अपने आप ये रिटर्न्स हमको देखने मिलेंगे जो हमने इस बुरे वक्त में निवेश अपना जो जारी रखा है, SIPs की हैं। अब SIPs के लिए ये चीज़ मैं अपने दर्शकों को सारे को कहना चाहता हूँ कि ये मौका SIPs के लिए बेहतरीन है, क्योंकि आप अपनी वही पहले से तय की रकम जो आप हर महीने निवेश करते हो उसमें आप ज़्यादा यूनिट्स खरीद रहे हो, क्योंकि उसके जो प्राइसेस हैं वो गिरे हुए हैं, तो ये तो इनफैक्ट एक अच्छी खरीदी का वक्त है। तो आपका, मैं ये नहीं कहता कि बाजार अगले साल सुधरेगा या एक साल के बाद या दो साल के बाद सुधरेगा, लेकिन जब भी सुधरेगा और आपका जो अगर निवेश का जो एक दायरा है लंबा है तो मेरे हिसाब से तो सबको फायदा आगे चल के होगा ही। कल्पेश अर्जुन जी, ब्रेक से पहले जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि निवेशक कई बार घबरा जाते हैं और घबराहट में कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जिनकी शायद हम में से कोई उम्मीद भी नहीं करता है। ऐसे ही कुछ कदमों में सामने अब ये आ रहा है कि लोग ये सोच रहे हैं कि PPF में ही अगर निवेश कर लिया होता तो शायद ये बेहतर रहता, क्योंकि कम से कम एक फिक्स्ड अमाउंट जो है, एक फिक्स्ड रिटर्न जो है वो तो उन्हें मिल जाता। लेकिन लंबे समय की अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो लंबे समय के लिए PPF में निवेश सही रहेगा या म्यूचुअल फंड्स की इक्विटी में ही निवेश बरकरार रखा जाए? ये बहुत ही एक रोचक तुलना है, लेकिन आई थिंक योग्य तुलना नहीं है। तो यहाँ पे हम दो अलग असेट क्लासेस की बात कर रहे हैं। अब एक तो बात कर रहे हैं फिक्स्ड इनकम की और उसमें PPF आता है, और अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें, डेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की हम अगर बात करें तो वो एक अलग ही असेट क्लास है। दोनों के जो मापदंड है, पैरामीटर्स हैं, बिल्कुल अलग है। सिर्फ एक चीज़ इसमें एज प्लानर्स हम कहते हैं कि ये आपके लंबे समय के निवेश हैं, और PPF जैसे एक प्रोडक्ट में, तो पहले मैं इसकी जो सराहना करना चाहता हूँ, एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है एज अ स्टैंड अलोन प्रोडक्ट, क्योंकि फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स में ये एक गारंटीड प्रोडक्ट है। इसका जो समय आप इन्वेस्ट करते हो वो 15 साल का समय होता है, उसके बाद आप निरंतर उसको हर 5 साल का एक रिन्यूअल होता है। आज की जो एक एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट PPF पे आपको मिलता है वो 7.9% और वो भी टैक्स फ्री है। ये सबसे एक आकर्षक इसके लिए PPF के लिए है, और PPF जिसके लिए जाना जाता है कि आपको सेक्शन 80C के तहत भी वो डिडक्शन देता है। तो ये सारे जो एडवांटेजेस PPF के तो हैं ही, लेकिन अगर हम PPF की तुलना अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड से करें तो शायद वो थोड़ा गलत रहेगा, क्योंकि अगर हम एक फ्रेम उठा के देख लें कि PPF का एक स्लैब उठा के अगर हम देख लें कि जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि यू नो पिछले पाँच साल का अगर हम एक कंपैरिजन करें कि 2014 से लेके 2019 में एक औसतन अगर PPF का जो रिटर्न निकले, जो भी रेट था 14 में और आज की तारीख में जो 7.9 है, तो तकरीबन वो 8.21% निकलता है। और उसकी तुलना में अगर हम सिलेक्ट लार्ज कैप या मल्टी कैप या मिड कैप फंड्स को ले लें तो उसकी रेंज जो आती है वो है 7.9 और 8.5% पर एनम की आती है। लेकिन वहाँ पे जो तुलना करने वाले हैं वो बोलते हैं कि आपको तो अभी इस पे 10% कैपिटल गेन भी लगता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बेचने में, तो अगर आप उसको डिडक्ट करते हो तो उसका जो रिटर्न्स है वो PPF से कम हो जाता है। तो ये जो तुलना है वो ठीक है, इधर तक सीमित है, लेकिन PPF में आप ये भी देखिए कि आपका जो पैसा है वो लॉक्ड इन है, जहाँ के म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा, चाहे वो इक्विटी हो या डेट म्यूचुअल फंड हो, जब तक वो क्लोज एंडेड फंड नहीं है आपको फुल लिक्विडिटी मिलती है। आप जब चाहे अपने पैसे निकाल सकते हैं जो भी उस दिन की NAV है उसके ऊपर से। दूसरी बात, अगर हम ये जो मापदंड है उसको सिर्फ एक साल से अगर हम शिफ्ट कर दें, मतलब जैसे हम लोग ने पहले सेगमेंट में रिटर्न्स डिस्कस किए थे, मान लो कि हम अगर उस पैरामीटर को शिफ्ट कर दें कि 2012 से 2017 या 2013 से लेकर 2018 का 5 साल का पीरियड ले ले, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न वहां पे 18% और 15% के एक एवरेज पे पहुंच जाता है, जो PPF को इनफैक्ट, मतलब कल्पेश जी, ये जो 5 साल का जो दायरा है, अगर हम ये दायरा ही बदल देते हैं तो उससे भी जो ये रिटर्न्स के नंबर आते हैं उसमें काफी असर देखने को पड़ता है। बिल्कुल, मैं वही बता रहा था कि अगर हम उस एक वो जो टेबल है उसको शिफ्ट करते हैं सिर्फ एक साल से आगे या पीछे करते हैं, 2012 से 17 और 2013 से 18,
बजाय कि 2014 से 2019 तो निफ्टी के जो रिटर्न्स हैं, जो इक्विटी के जो रिटर्न्स हैं, वो पीपीएफ से बहुत ही बेहतर लगते हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि हम निवेश जब भी करते हैं तो इक्विटी में 5 साल के लिए निवेश नहीं करते हैं। इक्विटी में निवेश का जो दायरा है वो ऑलवेज, पहले भी हम बता चुके हैं, बार बार बताते हैं कि 5, 7, 10, 12 साल तक का होना चाहिए। और वो रिटर्न्स तो हमें भी पता है कि जब हम एक लंबे समय तक निवेश करते हैं तो इक्विटी के रिटर्न्स को पीपीएफ छू नहीं सकता। तो ये जो तुलना है, आई थिंक वो एक, हम जैसे बता रहे हैं कि एक निवेशक की कमजोरी की वजह से पैदा होती है कि अभी चलो हमको इतना तो निवेश नहीं मिला, बेहतर है हम पीपीएफ में निवेश करें, लेकिन वो समझता नहीं है कि पीपीएफ में हमारा जो निवेश है वो एक लॉक्ड इन प्रोडक्ट में जाता है, बल्कि और जो रिटर्न्स की भी जो एक रेंज है वो सीमित रह जाती है, जहां की इक्विटी में आपको एक मौका है। यानी कि कल्पेश जी ये कह सकते हैं कि निवेशकों को अब म्यूचुअल फंड्स को और एसआईपी को जो है कभी भी अलविदा नहीं कहना है, इस सिचुएशन में भी अपने निवेश को बनाए रखना है। बिल्कुल, जैसे पहले सेगमेंट में कभी खुशी कभी गम था, तो ये सेगमेंट में तो मैं यही सलाह दूंगा कि कभी अलविदा ना कहना अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को, उसको जारी रखिए। ये बहुत ही एक अच्छा सुनहरा मौका है, जिसकी एसआईपीज चल रही हैं उनको चालू रखिए, और अगर आपके पास एकमुश्त कभी रकम है जो आपके नॉर्मल लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब नहीं करती, आपको लंबे समय तक निवेश करना है, तो अच्छा मौका है आपको ये लेवल पे इन्वेस्ट करना भी। लेकिन इसमें डिसिप्लिन रहिए, बाहर के जो यू नो र्यूमर्स हैं या जो अफवाहें हैं उसको मत सुनिए, और जो लक्ष्य से आप निवेश करते हैं अपने कैश फ्लो को देखकर ही निवेश करें। ज्यादा उसमें एक्साइट या उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, एक डिसिप्लिन रख के निवेश अपना जारी रखिए, और आगे चल के ऑलवेज इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपको फायदा देंगे। निवेश को बरकरार रखिए, बाजार में उतार चढ़ाव जो है आपको दिखते हैं, रहता भी है बाजार में उतार चढ़ाव, लेकिन ऐसे में आपको घबराना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया कल्पेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शकों को ये समझाने के लिए कि चाहे सिचुएशन कोई भी हो, लेकिन म्यूचुअल फंड्स को आपको अभी फिलहाल अलविदा बिल्कुल नहीं कहना है। अपने रिटर्न के लिए, बेहतर रिटर्न के लिए निवेश को बरकरार रखिए। तो आज की इस खास पेशकश में इतना ही।